नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही थी, मैं पढ़ा भी रही थी आपको, पाठ्यक्रम के प्रकार। दो पाठ्यक्रम के प्रकार जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे, वैसे मैंने आपको पाठ्यक्रम के विभाजन के बारे में बताया था कि पाठ्यक्रम का विभाजन हमने 8 प्रकारों में किया था। तो फर्स्ट मैंने आपको कल जो करवाया था वो मैंने पाठ्यक्रम आपको पहले दो पाठ्यक्रमों का वर्णन मैंने आपको नेक्स्ट लास्ट वीडियो में किया था। आज जो हमारे पाठ्यक्रम है वो है हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम और शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। कल मैंने आपको बताया था एक विषय जो हमारी सब्जेक्ट से संबंधित है वो पाठ्यक्रम का वर्णन किया था। आज जो मैं बता रही हूँ वो है अनुभव केंद्रित और शिल्प कला केंद्रित। और आगे जो होगा वो है हमारे जैसे कोर पाठ्यक्रम, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम और जो सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम, इन पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, इन पाठ्यक्रमों का प्रत्येक प्रकारों का मैं आपके आने वाली प्रत्येक वीडियो में उनका वर्णन करूंगी। तो आज हमारा पाठ्यक्रम है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम और शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम जो इसके नाम से संबंधित हो रही है, अनुभव मतलब जो हम एक्सपीरियंस कहते हैं कि अनुभव में व्यक्ति, जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है इसमें छात्र या व्यक्ति अपने अनुभवों को इसमें समाहित करते हैं, जो अनुभव वो प्राप्त कर चुके होते हैं उनका इस पाठ्यक्रम में समावेश होता है। हम कहते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों में जब तक हमारा अनुभव समाहित नहीं होता, या हम कहें कि पाठ्यक्रम या मानव जाति का ये व्यवहार होता है, मानव जाति का स्वभाव होता है कि वो उसमें कहीं ना कहीं अपने अनुभवों को समाहित करते हैं। तो जहाँ मानव जाति अपने अनुभवों को समाहित करती है वही पाठ्यक्रम हमारा कौन सा पाठ्यक्रम है, अनुभव केंद्रित है। यहाँ हम व्यक्ति, हम छात्रों को बोलते हैं, अर्थात कहा जाता है कि जो पाठ्यक्रम हम बनाते हैं, पाठ्यक्रम के प्रकार हम बनाएंगे, कहीं ना कहीं उसमें अनुभवों का भी समावेश होता है। और इसके लिए स्पेशली टीपी जैन साहब जो हमारे शिक्षाविद हैं उन्होंने ये चीज़ सबसे ज़्यादा बोली है, मतलब कि अनुभव पर उन्होंने जोर दिया है। वो चाहते थे कि हमारे पाठ्यक्रम में अनुभवों का समावेश होना जरूरी है। ऐसा उन्होंने बोला टीपी जैन जी ने, शिक्षाविद जो हमारे थे उनका मानना था कि अनुभवों का समावेश होना पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। तो इसमें जो हमारे पाठ्यक्रम की विशेषताएं बताई गई हैं कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी विशेषताओं के साथ इसकी लिमिटेशन होती है, अर्थात सीमाएं होती है, या कहते हैं कि थोड़ी बहुत जो कमी होती है इस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी कमियां हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसमें अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या होगी कि ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। अर्थात हम कहें कि मनोवैज्ञानिक यानी मन से मानने वाली, तो हमारे जो अनुभव होते हैं जब हम इन अनुभवों का समावेश करते हैं तो वो अनुभवों का समावेश हम हमारे मन के आधार पर करते हैं, यानी जो हमारे मन को अच्छा लगे, इसीलिए ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उत्तम होती है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मनुष्य सोचता है तो वो जब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन से जब सोचेगा उसमें अपनी आत्मा से सोचता है, तो वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो किसी ना किसी के अनुभव को उसमें समावेश कर लेता है। वो ये सोचता है कि ये कार्य मैंने किया था लेकिन इसी कार्य को किसी और व्यक्ति ने किया तो उसको कैसे सफलता मिली, अर्थात सोचा उसने आत्मा से सोचा कि कहीं ना कहीं उसकी क्या, मेरी कहाँ कमी रही और उनके एक्सपीरियंस का। तो इसमें कहीं ना कहीं अनुभव ये जुड़ जाते हैं क्योंकि अनुभव हम तो या तो किसी का लेते हैं, किसी से प्राप्त करते हैं, या फिर हम किसी ना किसी रूप में हमारे श्रम के अनुभव होते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उत्तम। इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति या बालक मनोवैज्ञानिक में अपने स्वाभाविक ढंग से अपने अनुभव, स्वाभाविक मतलब अपने आप से, तो अपने आप क्या हो गए उनके अनुभव, तो स्वाभाविक ढंग से सीखते हैं। इसमें स्वाभाविक ढंग से जहाँ उनका खुद का होता है कि वो किस तरीके से इसको सीखे, तो स्वाभाविक ढंग से सीखते हैं। सेकंड है हमारा अनुभव अर्जित करने के लिए, कहते हैं कि अनुभव केंद्रित पाठ्य
पाठ्यक्रम में हम जो पाठ्यक्रम का समावेश करते हैं वो क्यों करते हैं? अनुभव के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं या हम जो कार्य कर चुके या उसे हमें पुनः जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम उन अनुभवों का उसमें समावेश कर लेते हैं। अनुभव, पहले कार्य करके हमने अनुभव अर्जित किया, अगर हम उसमें सफलता हासिल नहीं करते हैं तो उसी कार्य को हम दोबारा करते हैं और उसमें हम अनुभव का समावेश करते हैं, क्योंकि हम वो अनुभव अर्जित कर चुके असफल होने का, लेकिन अब अनुभव हमें कौन सा लेना है? सफल होने का। तो कहते हैं कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में अनुभव अर्जित करने के लिए इस पाठ्यक्रम की एक विशेषता होती है कि हम इससे अनुभवों को अर्जित करते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। और जब एक्सपीरियंस हम हासिल करते हैं, कहते हैं कि जब हमारा अनुभव होता है, हम कहते हैं ना कि जब हम कार्य की पुनर्रचना करते हैं, उसको दोबारा स्थापित करते हैं, दोबारा बनाते हैं, तो हमें पूर्व योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम पूर्व योजना पहले बना चुके। प्री प्लानिंग की अब दोबारा हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो वो फीडबैक, जो रिजल्ट हमारा निकलता है, हम उसी से ही हमारी कमियों का पता लगाते हैं और नेक्स्ट हम उस कमी को पूरा, हम वो कमी दोबारा नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि अनुभव अर्जित करने के लिए पूर्व योजना की आवश्यकता नहीं होती, कि हमने पूर्व में जो प्री प्लानिंग, जब हम कार्य करते हैं, जो हम प्री प्लानिंग करते हैं, उस प्री प्लानिंग की इसमें अनुभव में आवश्यकता नहीं होती। थर्ड है हमारा जीवन से संबंधित। कहते हैं कि अनुभव हम कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं, हमारे जीवन में किए हुए छोटे छोटे कार्यों से हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर हम ध्यान नहीं देकर चलेंगे तो सटे हम वहाँ पर ठोकर खाकर गिरेंगे, तो वो एक्सपीरियंस है हमारे जीवन का कि हमें आगे देखकर चले। कहते हैं कि हमारे जीवन में हर परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, तो ये जो अनुभव है, कहते हैं ना अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा देता है, तो हमारे अनुभव हमारे जीवन से भी जुड़े हुए होते हैं, हमारे जीवन के कुछ पहलू, कहते हैं अगर हम देखें इसको अनुभव केंद्रित को, तो हमें कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक ज्ञान भी दे जाता है और व्यवहारिक ज्ञान हमारे जीवन से संबंधित होता है। तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम, जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है, वो जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम होता है। आगे है इसमें कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक जो हम क्रिएटिविटी करते हैं, कहते हैं कि इसमें अनुभव से जो हम करते, कहते हैं कि अगर एक बच्चा ड्राइंग कर रहा है, उसने ड्राइंग करने का अनुभव ले रखा है, बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, तो अगर वो करता रहेगा, वो एक्सपीरियंस दोबारा उस कार्य को दोबारा बार बार करेगा वो कार्य को, तो उसमें क्या होगी, उसकी और अच्छी रचनात्मक अभिव्यक्ति का डेवलपमेंट होगा, वो आगे बढ़ेगा और अच्छे से इस कार्य को कर पाएगा। तो कहते हैं अनुभव से हमें जो हमारी जो रचनात्मक सृजनात्मक अभिव्यक्ति है उसका भी विकास होता है। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी लिमिटेशन भी हमारे साथ चलती है, विशेषताओं के साथ, जहाँ कहते हैं गुण के साथ दोष हमेशा साथ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज कहते हैं कि अनुभव है, तो अनुभव के लिए हमें अनुभवशाली ही व्यक्ति चाहिए, अर्थात जो कार्य हम करवा रहे हैं वो कार्य कर चुका होना चाहिए। वो शिक्षक है तो शिक्षक के लिए कहते हैं कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो उस चीज में दक्ष हो, अनुभवी हो, तभी तो हमें उस कार्य को करवा सकते हैं आगे। तो इसमें सबसे चीज कि ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है इसमें जो पूरी तरह से दक्ष और अनुभवी हो। तो ये हमारा इसमें एक समस्या होती है कि जरूरी नहीं कि हमें इतने अनुभवशाली शिक्षक मिल सके। तो इस पाठ्यक्रम की जो कमी है वो ये है कि हमें हर वक्त, या कहते हैं हर समय, जरूरी नहीं कि हमें जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है या जिस विषय का हम कार्य कर रहे हैं उसमें दक्ष हमें शिक्षक मिल सकें। सेकंड है समय अधिक। कहते हैं जब हम अनुभव ग्रहण करते हैं या अनुभव लेते हैं, तो पहले तो हम उन अनुभवों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम उस कार्य को करते हैं, तो इसमें समय अधिक लगता है, अर्थात किसी के विचारों को, किसी के किए हुए कार्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करें, या फिर अगर हम स्वयं के देखें तो हम स्वयं उस कार्य को करके और फिर अनुभव प्राप्त करें, और आगे अगर हमारा फीडबैक आता है तो हम उसको रिजल्ट का इंतजार हम देखते हैं कि जब हमारा रिजल्ट क्या आता है, और अगर हमारा रिजल्ट सही नहीं आता है तो उसी कार्य से जो अनुभव हमने ग्रहण किया, जो कमी हमारे अंदर रही, उसको हटा के हम
दोबारा उस कार्य को करता है। तो अर्थात इसमें हमारा समय भी अधिक लगता है। फिर है प्रयोग करना कठिन। कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के एक्सपीरियंस या हर व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से, कहते हैं ना कि हमारा दक्ष अनुभवी व्यक्ति है वो अगर हमें अनएक्सपीरियंस ओल्डर व्यक्ति को अपने अनुभव देगा तो क्या वो उतना जल्दी ग्रहण कर पाएगा उसको, वो कार्य कर सकेगा नहीं कर सकेगा। तो कहते हैं कि जितने अनुभवशाली व्यक्ति उस कार्य को कर सकते हैं, अगर उसके बाद में अनएक्सपीरियंस व्यक्ति उस कार्य को करता है तो उसके लिए वो प्रयोग करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि जो जिस चीज़ के बारे में जाना ही नहीं अभी उसे वो प्रयोग में कैसे ला सकता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं और लिमिटेशन। आगे का जो इसमें लिमिटेशन है वो है इसका शिक्षा में परीक्षा का मूल्यांकन कठिन। कहते हैं अनुभव से जब हमारे सामने मूल्यांकन आता है तो उसका मूल्यांकन करना हमारे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि हर कहते हैं अनुभव पर है तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक शिक्षक के अनुभव अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे तो उनके मूल्यांकन भी अलग अलग तरीके से निकल कर हमारे सामने आएंगे, तो हम प्रॉपर एक तरीके से मूल्यांकन करना हमारा कठिन हो जाता है। हम उसको लेके चले कि एक शिक्षक जो खुद एक एक्सपीरियंस होल्डर है वो अगर अनएक्सपीरियंस व्यक्ति का या छात्र का जब वो मूल्यांकन करने बैठते हैं तो मूल्यांकन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो कहते हैं शिक्षा व परीक्षा का मूल्यांकन करना कठिन है। फिर है विशेष शैक्षिक व्यवस्था। अनुभवशाली है, प्रयोग का कार्य करना पड़ता है या एक्सपीरियंस के तौर पर कार्य करना करेंगे हम तो उसके लिए कहते हैं जहाँ बच्चे बैठते हैं उसके लिए भी एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा माहौल हो कि बच्चा वो जो सिखाया जा रहा है उसको एक अच्छे ढंग से सीख सके, तो उसके लिए कहते हैं विशेष शैक्षिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये हमारी इसकी विशेषता लिमिटेशन थी। अब है हमारे शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं। कहते हैं शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम जो कि इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको जो हमारे उसमें लायक है महत्वपूर्ण दिलाने में वो है महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। इसमें कहते हैं कि शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम में हम क्या करते हैं, शिल्प और हम जो आर्ट कार्य करते हैं, कहते हैं क्राफ्ट का कार्य करते हैं वो हमारे शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम में आता है। और शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम जो कि एक हमारे महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा में इसका एक संपूर्ण वर्णन किया, बुनियादी शिक्षा हमारी इसी पर आधारित करके कहा था उन्होंने, इसलिए बोले क्योंकि जो आज का पाठ्यक्रम है, आज की शिक्षा है, इसके प्रति भी शिल्पकला केंद्रित जो व्यक्ति अपने हाथ का कार्य करते हैं, अपना आर्ट का कार्य करते हैं, क्राफ्ट का अपना कार्य करते हैं, शिल्पकला का कार्य करते हैं, उनको एक सम्मान दिलाने के लिए और साथ में उनको एक अच्छे से अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने इस पाठ्यक्रम को लागू किया था। और इस पाठ्यक्रम के द्वारा वो ये मानते थे कि जो छात्र है, जो व्यक्ति है, अपना आगे अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकता है। तो ये महात्मा गांधी जी की देन थी। इसमें इनकी विशेषता है, सबसे पहले शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम है, हम जो आर्ट का काम करते हैं ये हम किससे करते हैं, हाथ से करते हैं। एक हम मूर्ति बनाते हैं, हम किसी क्राफ्ट का कार्य करते हैं तो वो कहते हैं कि उसे हम सिर्फ ओरली बता नहीं सकते, उसे हमें करके दिखाया जाता है, उसे बनाया जाता है। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी करके सीखने पर, यानी कि ये हमारे करके सीखने पर आधारित होता है। इसमें हर कार्य को समझाया जाता है, बना के बताया जाता है, फिर इसको उसी तरीके से विद्यार्थी उसको बनाकर बताते हैं, तो ये करके सीखने पर आधारित है। सेकंड है बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक। कहते हैं कि बालक का जो पर्सनलिटी डेवलपमेंट होती है या कहें इसके चारित्रिक विकास, इसमें भी सहायक होते हैं, क्योंकि ये हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं, स्वावलंबी जब हमें बनाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व होता है कौन सा, कहते हैं हमारे चौमुखी विकास कर देता है। हम शिक्षा भी ले रहे हैं, साथ में हम हमारे जीवन यापन का भी ले रहे हैं, साथ में हम इसका सम्मान करना भी सीख रहे हैं। तो कहते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम है शिल्पकला पाठ्यक्रम, ये हमारे व्यक्तित्व और चारित्रिक विकास में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट है इसमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। मैंने बताया था कि ये हमारा आजीविका का साधन बनती है, तो ये क्या होती है, हमें जहाँ हमारे आर्थिक रूप से भी हमें आत्मनिर्भर बनाती है। हम ये कार्य करके सीखते हैं तो कुछ हमारी इससे अर्निंग होती है, तो आर्थिक रूप से भी ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिर है छात्रों में सहभागिता, बंधुता और सामाजिकता की भावना का
विकास, क्योंकि इसमें बच्चे आपस में जब वो कार्य करते हैं तो आपस में वो मिलकर करते हैं कुछ, जो अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आता है तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा बच्चा उसकी सहायता करता है, या कहते हैं कि इसके लिए एक तरीके से आपस में प्रेम की, बंधुता की भावना भी जागृत होती है। फिर है श्रम के प्रति आदर, जो हम मेहनत करते हैं, जो कार्य हम करते हैं शिल्पकला का, उसको हमें हीन दृष्टि से न देखकर एक हम आदर की भावना जागृत करने के लिए इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था कि श्रम के प्रति आदर, अर्थात जो मेहनत हम कर रहे हैं उसके प्रति सम्मान। अब है हमारी इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन में सबसे पहला पॉइंट है वर्तमान में जीवन यापन का आधार नहीं। हमने देखा है आज के टाइम पे बहुत कम ये कार्य किया जाता है। आजकल जब बच्चा शिक्षित हो जाता है तो वो क्या करते हैं, इस कार्य को करने में उन्हें शर्माने लगती है, चाहे वो कार्य उनके पारिवारिक, कहते हैं ना परिवार के तौर पर वो कार्य करते हुए आ रहे हो, लेकिन वो बच्चा उस कार्य को करने में हिचकिचाता है। वो सोचता है कि हमारे ये जीवन यापन का आधार, क्योंकि आजकल जो आज का टाइम है, आज के समय है, जहाँ हमारी आवश्यकताएं बहुत ऊपर बढ़ चुकी है, तो इसके माध्यम से हम जब ये छोटा कार्य करते हैं, अगर हम एक मूर्ति बनाए या एक आर्ट काम करते हो, उससे जीवन यापन ढंग से नहीं हो सकता, वो आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए ये वर्तमान के जीवन यापन का आधार नहीं है। फिर हमारे मानसिक, संवेगात्मक और चारित्रिक, कहते हैं कि ये हमारा मानसिक और संवेगात्मक विकास नहीं करता, ये हमारा सृजनात्मकता का विकास करता है, क्योंकि जो चीज़ हम बनाना सीख रहे हैं वो हमारी रुचि है, ये संवेगात्मक मानसिकता का नहीं है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हमारी सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। फिर है पुस्तकों का महत्व कम, क्योंकि ये कार्य जो हाथ का होता है सृजनात्मक कार्य है, इसके लिए पुस्तकों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि करके जो हम चीज़ें बना रहे हैं उस पर आर्ट क्राफ्ट का कार्य है ये, इसीलिए इसमें पुस्तकों का महत्व बहुत ही कम होता है। फिर है इसका उद्योग धंधों पर आधारित, ये जो पाठ्यक्रम है हमारा वो किस पर है, उद्योग धंधों पर, कहते हैं ये पुस्तक पर नहीं, ये आर्थिक रूप किस आर्थिकता का है, तो इसीलिए किस पर है, उद्योग धंधों, क्योंकि इसी के ही जब कार्य करते हैं तो इनको इन उद्योग धंधों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें जहाँ पुस्तकों का महत्व कम होता है और उद्योग धंधों पर आधारित होता है। फिर शिल्पकला ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाध्य होना पड़ता है, यानी कि अगर हम इस पाठ्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो हम इन विषयों का चयन करते हैं, कहते हैं ना कि हम पढ़ते हैं लेकिन उसके साथ साथ आज का जो हमारी सब्जेक्ट बन जाती है, अगर हम इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो हमें उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कहते हैं कि प्रैक्टिकल कर लिया लेकिन थ्योरिटिकल पास करने के लिए हमें इसका ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए कहते हैं शिल्प ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कि कहते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का मन नहीं होता है, लेकिन जो हम जो कार्य करते हुए आ रहे हैं और उसे भी उसमें शामिल होना पड़ता है, उसको एक पारिवारिक दृष्टि से देख लो, या फिर कहें कि अगर वो कार्य है उसके परिवार में किसी व्यक्ति ने किया है तो उसे भी वो कार्य करना पड़ता है, तो वो एक उसकी इच्छा से नहीं हो रहा है, वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, आज का हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम और शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसमें मैंने आपको अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएँ और उसकी लिमिटेशन बताई, और इधर मैंने आपको शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं और लिमिटेशन बताई। आगे की वीडियो में मैं आगे के आपको प्रकारों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।